जहां एक ओर पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार संघ का आंदोलन लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में पटवारी लेखपाल परीक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। कल होने वाली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रशासन द्वारा सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र की जाँच करने के बाद उन्हें देहरादून भेजा जा रहा है। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में कोठाल गेट और कोलू खेत पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि वीकेंड होने के कारण काफी संख्या में पर्यटक मसूरी का रुख कर रहे हैं, जिसको लेकर भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही कल होने वाली पटवारी लेखपाल परीक्षा को लेकर दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र चेक किए जा रहे हैं और उन्हें देहरादून जाने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने बताया जिस प्रकार से माहौल में तनाव आया है उसको लेकर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और उपद्रवियों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अभी जिस तरीके से मतलब जो है यहाँ पर आज वीकेंड है, काफ़ी संख्या में लोग जो है मसूरी घूमने जा रहे हैं, उसको ध्यान रखते हुए और कुछ लोग देहरादून भी जा रहे हैं, तो दोनों तरफ से हम जो चेक कर रहे हैं मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि कोई बिना हेलमेट और इस तरीके से साथ साथ में इस तरीके का जो अभी हाल में माहौल बना हुआ है, कुछ लोग इस तरीके उपद्रवी तो नहीं है, वो भी चेक कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है, कोई सीमा सील नहीं है, सब सीमाएं खुली हुई हैं, बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं और अच्छा माहौल बना हुआ है आज। और जहाँ तक बेरोजगार संघ का है तो यहाँ से अभी कोई ऐसा संज्ञान में नहीं आया, सब जो है टूरिस्ट है और जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके पास एडमिट कार्ड, उनको हम कोई रोक टोक नहीं है, परीक्षा वालों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप चाहिए पहुँचे। संवाद 365 के लिए मसूरी से राजवीर सिंह रौंछेला की रिपोर्ट।